हेलो एंड वेलकम टू इजी कैम्प। टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्टीफन रिएक्शन। देखो स्टीफन रिएक्शन जो ये रिएक्शन आती है ये यूज़ की जाती है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये इनिशियली हमारी होगी रिएक्शन स्टार्ट साइनाइड ग्रुप से CN। ठीक, इसको हम ट्रीट कर देंगे स्टेनस क्लोराइड के साथ, स्टेनस क्लोराइड के साथ। ठीक, और साथ में हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पर साथ में। अब क्या होगा, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है RCH डबल बॉन्ड NH। अब देखो ये याद रखने के लिए कुछ नहीं करना आपको, याद क्या रखना है आपको, ये हमारा साइनाइड ग्रुप है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, यही होगा हमारा, ये सेम है दोनों। इसका क्या किया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड जो था ये डबल बॉन्ड बना रहा और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और दोनों में एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देनी है। क्या हुई, देखो ये जो आपका आया कहां से आ रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद ये क्या बचा, आर एक, और ये सी है और सी का इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बचा। ये जो एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ हाइड्रोजन लग गई, एक बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ हाइड्रोजन लग गई, तो हमारा ये इंटरमीडिएट बन गया ये वाला। सिंपल याद रखने का तरीका आपका ये है। अब इस इंटरमीडिएट की करा दीजिए आप हाइड्रोलिसिस। ठीक, हम इसके जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके हमारा क्या बना देगा, RCHO एल्डिहाइड। अब जब भी हमारी नेम रिएक्शंस होती हैं हमें याद रखना होगा कि हम इनिशियली क्या ले रहे हैं और लास्ट में हमें क्या मिलना है। तो देखो यहाँ पे हमने साइनाइड ग्रुप लिया है, इनिशियल हम किससे कर रहे हैं, साइनाइड ग्रुप से हम इनिशिएट कर रहे हैं अपनी रिएक्शन और लास्ट में हमें क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। दूसरी चीज, नंबर ऑफ कार्बन में क्या चेंजेस है, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर। जितने नंबर ऑफ कार्बन वाला हम अपना रिएक्टेंट लेंगे प्रोडक्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे। ठीक है, एक हम इसकी कॉमन रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सपोज है CH3CN है, इसको हम ट्रीट करा दें SnCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा CH3CH यहाँ डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिए, ये हमारी हाइड्रोलिसिस हो गई, तो अब हमें क्या मिलेगा CH3CHO। देखो दो कार्बन यहाँ पर है और दो कार्बन यहाँ पर है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हम स्टीफन रिएक्शन कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पर हमें नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंजेस नहीं करने, सिंपली साइनाइड ग्रुप को हम चेंज कर रहे हैं एल्डिहाइड ग्रुप में। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।